हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में, एक नई ब्लॉग में। दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 6 और अभी हूँ मैं ऋषिकेश शहर में। तो दोस्तों आजकल मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, बिजी होने के कारण आजकल मैं ब्लॉग भी नहीं आ रहे मेरे, क्योंकि मैं ऋषिकेश की सारी जगह आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, क्योंकि मैं अब यहीं पर हूँ, क्योंकि अब मैं यहीं पर जॉब करता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं हम आपको आगे का सीन। देख सकते हो आज का व्यू, पूरा यहाँ पर कोहरा लगा है चारों ओर, देख सकते हो आप। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, सामने का नज़ारा काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पर देखिए आप HM कॉलेज है यहाँ पर, देख सकते हो आप। और कुछ ऐसा माहौल यहाँ से सामने का, और इस साइड देखिए आप, यहाँ पर हल्का फुल्का कोहरा लगा है, और यहाँ सामने पे देखिए टंकी में बंदर बैठ रखे हैं, देख सकते हो आप, और काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। दोस्तों अभी बज रहे दिन के 12 और अभी मैं नहाया तो, और अभी कपड़े धोए यहाँ पर सुखाने के लिए डाल रखे हैं, देख सकते हो आप। और अभी मतलब थोड़ा बहुत धूप लगी है, देख सकते हो आप। तो अब खाना बना रहे हैं अभी, और उसके बाद खाना खाएंगे, और 3 बजे हम काम पे चले जाते हैं, और आते हैं रात को 12 या कभी 11 बजे और कभी 12 बजे। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का, तो फिर भी दिखा रहा हूँ आपको। और चलिए फिर बाद में बात करते हैं आपसे। और बाहर का माहौल देखिए यहाँ पर, अभी देख सकते हो आप कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के 12 और अभी हूँ मैं रूम में, तो अभी थोड़ा खाना बनाते हैं और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, और 3 बजे हम चले जाएंगे काम पे। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह का रूम है हमारा, यहाँ पर छोटा सा है, और यहाँ पर देख सकते हो सामान ही सामान रखा है। और फिलहाल मैं खाना बना रहा हूँ, और अभी नहाया तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो बने रहिए ब्लॉग में, कुछ ऐसी लाइफ चल रही है आजकल तो जो बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के 2 और अभी हो रहा हमारा लंच दिन का, और दिखाते हैं आपको। तो आज बनाई है राजमा की दाल और चावल नॉर्मल, यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ इस तरह का। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अब मैं जा रहा हूँ काम पे, तो मिलते हैं आपको सीधे बाद में। दोस्तों अभी बज रहे शाम के 5 और अभी मैं थोड़ा रूम पे आ रखा हूँ, और यहाँ पर कपड़े डाल रखे थे सुखाने के लिए दिन में, तो बारिश लगने के चांसेस हैं, इसलिए मैं थोड़ा कपड़े रखने के लिए आया और फिर चला जाऊँगा। और बस काम तो वही है 10-11 बजे तक,